अध्याय 5। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य से सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हत्या न करना, और जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वो महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। जाकर पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे शीघ्र मेल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु
मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़े तो वो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वो उसके पावों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो, कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, बुरे का सामना न करना। परंतु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ दो कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो, कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है।